Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 19 और ये हमारी पार्ट 6th वीडियो है। प्रीवियसली 5th वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म डिस्कस किया था। आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है आपका रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, और इसमें हम देखेंगे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। तो ये पूरा मैकेनिज्म क्या फंक्शन कर रहा है, इसका क्या रोल है। तो आपका जो किडनी का फंक्शन है, हमने डिटेल में किडनी का स्ट्रक्चर देखा, किडनी कैसे फिल्टर करती है, रीअब्सॉर्ब करती है आपके सब्सटेंस को, वो सब हमने प्रीवियसली वीडियोस में डिस्कस कर लिया। तो आपका ये जो किडनी का फंक्शन है, इसे एफिशिएंटली कौन मॉनिटर करता है, आपके हॉर्मोन्स मॉनिटर करते हैं। और ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये आपके डिफरेंट ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं जो चेक करते हैं आपकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड प्रेशर बना रहे, प्रॉपर आयनिक बैलेंस बना रहे, आपकी बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है, फ्लूइड वॉल्यूम है, आयनिक कॉन्सेंट्रेशन है, ये बनी रहे। तो ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं आपके हाइपोथैलेमस से, आपका एक एंजाइम रिलीज होता है रेनिन जीजीए सेल से, आपके जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस हैं। इसके अलावा आपका हार्ट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट आते हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स। तो ऑस्मोरिसेप्टर आपकी बॉडी में ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, जो आपका फ्लूइड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ गई, तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है अगर वो कम हो गया, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये फटाफट एक्टिव हो जाएंगे। और इनके बारे में मैंने आपको रेगुलेशन ऑफ हार्ट में भी बताया था कि ये जो ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, रेगुलेशन ऑफ लंग्स में हमने देखा था आपके केमोरिसेप्टर्स, तो ये रिसेप्टर्स बने ही इसीलिए ताकि बॉडी में अगर ऑप्टिमम लेवल से कुछ भी चेंजेस ऊपर नीचे कुछ भी हुए तो ये फटाफट एक्टिव हो जाएंगे और आपके ऑर्गन्स को, आपके ग्लैंड्स को, ब्रेन को सिग्नल करेंगे कि ये जो भी कंडीशन अभी बिगड़ी है उसे नॉर्मलाइज किया जाए। तो जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, आप डिहाइड्रेटेड हो, पानी लॉस हो रहा है, तो ये रिसेप्टर्स एक्टिव होके क्या करेंगे, आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाइपोथैलेमस आपका थर्स्ट और आपका एपेटाइट सेंटर है, कि कब प्यास लगेगी, कब भूख लगेगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और डिफरेंट हॉर्मोन्स और पिट्यूटरी के बारे में हम आपके चैप्टर 22 में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं आपका हाइपोथैलेमस क्या करता है ऐसी कंडीशन में जब आपकी बॉडी एक्सेसिव वाटर, एक्सेसिव फ्लूइड को लूज कर रही है और उसे पानी मिल भी नहीं रहा। तो क्या होगा, ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिव हुए, हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, जिसने एक हार्मोन रिलीज किया जिसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन। तो ये हार्मोन किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने बनाया और रिलीज करके किसे दे दिया, आपकी पिट्यूटरी को। और आपकी पिट्यूटरी दो पार्ट में मेनली डिवाइडेड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर पिट्यूटरी को एडीनोहाइपोफाइसिस। अभी इन सब नाम से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 22 में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बारे में। अभी आप सिर्फ फ्लो देखो कि क्या हो रहा है जब ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिव हो गए, उन्होंने हाइपोथैलेमस को सिग्नल दिया, हाइपोथैलेमस ने एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन जिसे हम कहते हैं उसे रिलीज किया, जिसे आपका स्टोर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब न्यूरोहाइपोफाइसिस से आपका ये हार्मोन रिलीज हो जाएगा और ब्लड में आएगा और अपना एक्शन दिखाएगा। तो आपका ये हार्मोन करता क्या है, आप देखो एंटी डाययूरेटिक, डाययूरेसिस मतलब क्या होता है, वो कंडीशन जिसमें आपकी किडनी एक्सेस ऑफ फ्लूइड को फिल्टर करके बॉडी से रिमूव कर रही है,
अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी से पानी वेस्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी मुझे नहीं मिल रहा, मैं तो डिहाइड्रेटेड हूँ। इसीलिए इस हार्मोन का नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक। अब ये जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है उसे रोकेगा, अगेंस्ट वर्क करेगा। तो आपका जो ADH है वो क्या करेगा? वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। हमें पता है कि आपका जो PCT पोर्शन है वहां पे वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, आपका जो हेनली लूप का डिसेंडिंग पार्ट है वहां पे वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, और ये क्या करेगा DCT पार्ट से भी और कलेक्टिंग डक्ट जो लेटर पार्ट ऑफ आपका नेफ्रॉन है उसे भी स्टिमुलेट करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब करें। इससे क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जिससे आपकी बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मलाइज आने लगेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो आपकी बॉडी लेगी। जब आपकी बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो नॉर्मलाइज आ गया, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया, वेस्ट नहीं होने दिया, तो ऑस्मोरिसेप्टर वापस से स्विच ऑफ हो जाएंगे, ADH जो है वो वापस से उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है। उसने क्या किया, फटाफट कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट दिखाया, ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो, ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड है वो आपके ग्लोमेरुलस में एंटर करे हाई प्रेशर में, और उसमें से पानी को हम रीअब्सॉर्ब कर लें, तो जिससे आपका ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मलाइज हो गया। तो ये जो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर है इससे क्या होगा, जो आपका GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे बॉडी डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को रीस्टोर करती है। नेक्स्ट आता है आपके JGA अपैरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। वहां जो सेल्स हैं आपके, हमने पढ़े भी थे DCT पोर्शन के पास, यहाँ आपके JGA सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था, आपके जो JGA सेल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं इन रिलेशन टू GFR। जैसे ही GFR कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड फ्लो कम हुआ, ये फटाफट एक्टिवेट हो जाएंगे, और कौन सा एंजाइम रिलीज करेंगे, रेनिन। और ये जो रेनिन एंजाइम है ये क्या करता है, ब्लड में आएगा, और ब्लड में आपका दूसरा एक और फैक्टर प्रेजेंट है, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन, और इसे बनाता है आपका लिवर। अब इस एंजियोटेंसिनोजन को, ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन 1 बनाकर। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये ब्लड में आ चुका है, अब इस एंजियोटेंसिन 1 को आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर, आपका एक एंजाइम है जो लंग्स रिलीज करता है, वो उसे एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। अब आपका ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये बहुत ही पावरफुल, ताकतवर एकदम आपका फैक्टर है, जो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। वैसो मतलब वेजल्स का कंस्ट्रिक्शन, आपकी ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कराएगा, ताकि जो ब्लड में, जो आपका ब्लड है जो उन वेजल्स में फ्लो कर रहा है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाए। प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो ब्लड रीनल आर्टरी से, एफरेंट आर्टरियोल से आपके ग्लोमेरुलस में जा रहा है, उसका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो इस तरह से वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा रहा है जो लोअर डाउन हो गया। तो एंजियोटेंसिन 2 ने फर्दर किसको एक्टिव किया, एक और एड्रीनल कॉर्टेक्स को। तो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, अबव द किडनी, तभी उसका नाम क्या है, एड्रीनल, एडजेशन टू किडनी। किडनी को, किडनी के लिए हम रीनल वर्ड यूज करते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पोर्शन से आपका एक और हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। तो आप देख सकते हो बॉडी में सभी ऑर्गन, सभी एंजाइम किस तरह से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपके इस एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, वैसो कंस्ट्रिक्शन तो कर दिया, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज किया, फर्दर इसने एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाया, कहां से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है, ये रीअब्सॉर्प्शन कराता है आपके सोडियम आयंस एंड वाटर का फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, DCT वाले पोर्शन से। ये फटाफट क्या बोलेगा कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब करो। अब वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम स्टोर होगी, ब्लड वॉल्यूम ठीक होगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, देयर बाय आपका जो GFR रेट है वो भी नॉर्मल आ जाएगा। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम इसीलिए कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, क्योंकि आप देख सकते हो रेनिन कहाँ से आया, JGA अपैरेटस से आया, एंजियोटेंसिन आपका ब्लड में है जो एंजियोटेंसिनोजन, जिसे लिवर ने बनाया,
तो ये पूरा चेन पाथवे है जो हेल्प कर रहा है ब्लड प्रेशर को रीस्टोर करने के लिए, ब्लड वॉल्यूम को रीस्टोर करने के लिए। अब क्या हो रहा है आप देखो, हाइपोथैलेमस से एडीएच रिलीज हुआ, उसने भी ब्लड प्रेशर बढ़ाया, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब इतना प्रेशर बॉडी नहीं झेल पाएगी, अब आपका हार्ट बेचारा वो दिक्कत में आ जाएगी, नहीं भाई ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है, अब कम करो, ज्यादा हो गया प्रेशर, जीएफआर ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से अब आएगा आपका नेगेटिव मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया ना ब्लड प्रेशर, नॉर्मल से ऊपर जाना जा रहा है। अगर ये ब्लड में रहेंगे ये सभी हार्मोन एंजाइम, तो हार्ट एक्टिव हो गया, उसने एक फैक्टर रिलीज किया, आर्टेरियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर, ANF जिसे हम कहते हैं, और किसके रिस्पॉन्स में रिलीज किया, ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इन आर्टेरिया, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो अब आर्टेरिया में भी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है, तो इससे हार्ट सेल्स ने एक फैक्टर रिलीज किया, दैट इज ANF, आर्टेरियल नाट्री यूरेटिक फैक्टर। अब इसका काम क्या है, ANF ने बिल्कुल ऑपोजिट काम किया आपके एंजियोटेंसिन 2 से। आप देखो ANF ने क्या किया, वैसो डाइलेशन, उसने वेजल्स को डाइलेट कर दिया, जिसे कंस्ट्रिक्ट कर दिया था आपके एंजियोटेंसिन 2 ने, तो डाइलेशन होगा, ज्यादा स्पेस बनेगा वेजल्स में, तो जो ब्लड प्रेशर है वो अपने आप लोअर डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका ANF है, आर्टेरियल नेचुरल यूरेटिक फैक्टर, वो क्या करता है, चेक ऑन रखता है ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो आप देखो हर चीज बॉडी में कितनी ज्यादा रेगुलेटेड है, बैलेंस्ड फॉर्म में है, ना ब्लड प्रेशर ज्यादा होने देना है ना कम होने देना है, तो बैलेंस में ये मैकेनिज्म चलते हैं। अब इस डायग्राम में आप क्लियरली रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम देख सकते हो, ये कब एक्टिव होगा, जब ब्लड प्रेशर कम हो गया, फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, जीएफआर गिर गया, तो फटाफट आपका रेनिन JGA सेल से रिलीज हुआ, एंजियोटेंसिनोजन बनाया लिवर ने, वो ब्लड में है। अब इस रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म, दैट इज एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। अब ये एंजियोटेंसिन 1 फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, और कौन कन्वर्ट करेगा, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो लंग से आया है। अब एंजियोटेंसिन 2 आपका फर्दर किसे एक्टिव कर रहा है, आपके एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पोर्शन को, जिसने एल्डोस्टेरोन रिलीज किया। अपार्ट फ्रॉम दिस एंजियोटेंसिन ने क्या किया, वैसो कंस्ट्रिक्शन तो करा दिया, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, और इस एल्डोस्टेरोन ने क्या किया, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स, तो ये दोनों पोर्शन से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो वापस नॉर्मलाइज हो गया, इंक्रीज हो गया। और इसके होने के बाद अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो कौन आता है आपका, ANF, आर्टेरियल नेचुरल यूरेटिक फैक्टर, क्योंकि हार्ट ज्यादा प्रेशर नहीं झेल पाएगा, इसीलिए वो फटाफट ANF को रिलीज कर देगा। तो ये आपका पूरा एंजियोटेंसिन सिस्टम था, प्लस आपका किडनी का रेगुलेशन, कि आपकी किडनी किस तरह से आपका पूरा ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कॉन्सेंट्रेशंस को मेंटेन करती है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।